अच्छा, हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक को पिघलने से क्या होता है। तो हम सारे प्लास्टिक को एक बकेट में पिघल रहे हैं। देखते हैं इसके पिघलने से क्या निकलता है। पिघल जाओ पिघल जाओ पिघल जाओ तुम। देखिए किस तरह से पिघल रहा है। इसके ऊपर जो कागज़ है इसको हम हटा देंगे। हमने एक और प्लास्टिक बोतल ले रहे हैं। हम सारे को इस तरह से पिघल देंगे। कुछ काला सा कुछ बन रहा है प्लास्टिक को पिघलने के बाद। हमको और प्लास्टिक चाहिए और हम पिघलने के बाद देखेंगे कि काला सा चीज़ क्या बनता है। देखिए बहुत सारा प्लास्टिक पिघल गया। मैं एक और बोतल दे रहा हूँ यहाँ पर। अरे क्या इसके अंदर ही आग पकड़ लिया है इसने। देखिए हमने जिस बकेट में पिघल रहे थे वो बकेट के अंदर ही आग पकड़ लिया है। इसे घर पे बिल्कुल ही मत कीजिए तो घर में आग लग सकता है। और अब देखिए कैसे प्लास्टिक यहाँ से पिघल रहा है और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म सा कुछ बन रहा है। ये देखिए हमने बहुत सारा प्लास्टिक को जला दिया। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये लिक्विड जो बन रहा है ये अल्टीमेट क्या है। ये देखिए हम इसके अंदर अब देख पा रहे हैं कि पता नहीं। देखिए प्लास्टिक तो पिघल चुका है और इसके ऊपर एक कुछ लिक्विड पानी जैसा कुछ चीज़ बन रहा है। हमको इसको पूरा ही पिघलना है। पूरा पिघलने के बाद ही हम देखेंगे कि अल्टीमेट क्या चीज़ है। पूरा पिघलने के बाद हम इस बकेट को इसके अंदर से उतर के देखने की क्या है। अभी तक पूरा पिघला नहीं। आग लगा रे आग लगा जल्दी आग लगा। बस ऊपर मत आग लगी हो। अब ये बहुत गर्म हो चुका है। देखिए किस तरह से ये बिल्कुल पानी जैसा पिघल गया है। ये देखिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा कार का मोबिल ऐड करेंगे। ये देखिए ये मोबिल है। थोड़ा सा हम ये वाला इसमें डाल देंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें थोड़ा सा मोबिल ऐड कर दिया है। इसको अब हम गर्म करेंगे। ये देखिए इसमें इसने आग पकड़ लिया है। इतना गर्म हो चुका है कि इसने आग पकड़ लिया है। आग बुझ रहा है आग बुझा आग बुझा। हमने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा ताकि आग बुझ जाए। देखिए किसका कितना धुआं उड़ा है। देखिए
शायद ये बहुत बहुत गर्म हो चुका है, इसको और गर्म करना ठीक नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल पीच की तरह हो चुका है। अब हम इसको किसी बकेट के अंदर डालेंगे। बहुत बहुत धुआं हो रहा है। चलिए अब इसको हम डालते हैं किसी और जगह पे। अब देख सकते हैं कि बार बार गर्म हो रहा है और इसमें आग पकड़ लिया। और हम इसको ही इसी तरीके से हम इसको ले जा रहे हैं। और अब हम अभी अब देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल पिघल गए हैं। और अब हम इसको इस ग्लास की कांच में, ये पूरी फुल लिक्विड है, फुल लिक्विड प्लास्टिक है, और हम इसको इस कांच में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसने पूरा छाग पकड़ लिया है और इस लिक्विड को हम इस कांच के ग्लास में डालने वाले हैं। देखिए किस तरह से गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से कांच के ग्लास को तोड़ दिया। ये बिल्कुल ही लिक्विड है, इसको घर पे बिल्कुल मत कीजिए, चोट आ सकता है किसी को भी। आप देख सकते हैं इसने कांच को तोड़ दिया। इसको घर में बिल्कुल ही मत कीजिए। इसमें और भी लिक्विड प्लास्टिक बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कंटेनर अब तब से जल रहा है। हम इसको बुझा देंगे अब। और इसको नज़दीक से देखिए, ये कुछ काला सा पीच की तरह हुआ है और ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बार कोई और एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए चलिए, बाय।